ये लो, बहुत एहतियात करना ज़ायदा। अगर ध्यान से ये काम नहीं करोगे तो ये मेरी मौत का परवाना होगा जो तुम्हारे हाथ में दिया है मैंने। तुम जिंदान से भाग क्यों नहीं जाते मुख्तार? कहीं जुबैरियों के यखनी तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? तुम कब तक उमर के बेटे की तवज्जो बल्कि सफिया की आजिज़ाना गुजारिशों पर तवज्जो करके अपनी आजादी की सिफारिशें कराते रहोगे? ये आखिरी बाजी है ज़ायदा। अगर मैं जिंदान से भाग जाऊं तो जुबैरियों को मेरे खुरूज की खबर मिल जाएगी, सारे जहां को पता चल जाएगा कि मेरा क्या इरादा। दुश्मनान अली ऐनुल क़ुदा में तवाबीन के कत्लेआम के बाद इस बात पर यकीन रखते हैं कि शियों का खतरा खत्म हो गया। इसी यकीन पर रहें तो हम सबका फायदा है। दिलों को तसल्ली दे सकती है। सुलेमान, मुसय्यब, बिनवाल और बिन साद मरे नहीं हैं। वो लोग सूरज की शक्ल में सुबहों के वक्त रोजाना ता कयामत तुलू करते रहेंगे। वो लोग हर नेक जुबान का नगमा बनकर जिंदा रहेंगे। अगर हम भी दीनदारी और खुलूस में उनके जैसे होते तो हमारे उरूज के पर न कटते। अभी बहुत सी ऐसी राहें हैं जिन पर हम नहीं चले हैं, बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमने सुना नहीं, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका हमने इकरार नहीं किया और देखने की बहुत सी चीजें जो हमने नहीं देखी। तवाबीन, आज के बाद से एक और जिम्मेदारी अपने सर पर रखते हैं। हमें ऐनुल वर्दा और करबला के खून का इंतकाम एक साथ लेना होगा। अब हम अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। हमें इन सूखी हुई और उजड़ी हुई जड़ों की दोबारा अभियारी करनी होगी। इस तहरीक को अब आगे बढ़ाना, दोबारा कुव्वत जमा करने पर मशरूत है। हमारी खबरें आप तक पहुंचाने वाला शख्स बसरा में मुसन्ना बिन मखरबा और मदाइन में बिन हुज़ैफा होगा। हमारी तमाम खबरें लोगों के जरिए आप सब तक पहुंचेंगी। जाइए जाइए, कुछ जान ताजा कीजिए और अपने आप को बनाइए यहां तक के फिर उठें। खुदा के हवाले मेरे भाई। खुदा के पनाह में मेरे भाई। दुरूद हो ऐनुल वर्दा के थके मांदे मुजाहिदों पर। मैं अबू इसहाक मुख्तार सकफी की तरफ से खत लेकर आया हूं। मुख्तार? खुदा उसकी गलतियों को माफ ना करे। अगर मुख्तार तवाबीन की मदद के लिए आया होता
तो ऐन उलवरदा की इस जंग का नक्शा ही कुछ और होगा। दुरूद हो ऐन उलवरदा के शेर दिल मर्दों पर, हवा ने आपकी शुजातों की खबर सारे जहान में फैला दी। शायरों ने आप लोगों की मधोसना में वो बातें की हैं कि आवाम हैरान है। दुरूद हो आप लोगों पर। बहुत शर्मनाक है। क्या लिखा उसने रूफा? सरासर झूठ। हमसे चाहता है कि उसकी बैत कर लें, कट जाए वो हाथ जो मुख्तार की बैत करने को तैयार हो। रुफाए, खुदा की कसम ये मुनसिफाना नहीं। तुम लोगों का एक ही तो काम है, मुख्तार एक लम्हे के लिए भी कातिलाने हुसैन से किसास लेने से गाफिल नहीं हुआ है। आप लोग राह निजात को अपना खून निसार करने में देख रहे थे और मुख्तार मलून शयातीन का नापाक खून बहाने में। मकसद एक है मगर रास्ते दो हैं। जंगजादे, तो क्या तुम समझते हो कि तवाबीन ख्वामा ख्वा खुदकुशी करने के लिए ऐन उलवरदा की तरफ गए थे? हमारी जीत में सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था और वो कदम मुख्तार था जो कि न था। जहां तक मैं मुख्तार की गैरतमंदी से वाकिफ हूँ, ये कह सकता हूँ कि मुख्तार सुलेमान से तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद भी ऐन उलवरदा की तरफ चला था, अगर जुबेरियों की गुलो जंजीर का कैदी ना होता। मतलब मुख्तार कैद में था? अब तक कैद में है। मगर क्यों? क्यों का सवाल जुबेरियों के कारिंदे से पूछो। जिस दिन उसके पास सुलेमान का खत आया उसी दिन आधी रात को मुख्तार के घर पहुंचकर उसे कैद करके ले गए थे। इस तरह तो मुख्तार का कोई कसूर नहीं है। मकार तो बिन यजीद है जो अली के शियों से दोस्ती का इजहार करके उसके पीठ पे छुरा घोंप देता है। यकीनन मुख्तार को आले जुबैर की मुखालफत के जुर्म में कैद किया है। हम कूफे के जिंदान पर हमला करके मुख्तार को छुड़ा सकते हैं? नहीं मुसन्ना, मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहनी चाहिए। फिर मुख्तार का क्या होगा जो कैद में है? अगर मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहे और किसी को पता न चले तो जुबेरियों के पास मुख्तार को कैद रखने का कोई सबूत ही नहीं बचेगा। जब उन्होंने उसे कैद किया था तो उनके पास कोई सबूत था? उन्होंने मुख्तार को इसीलिए कैद किया कि वो तवाबीन की मदद न करे। क्या मतलब ज्ञान? बिन यजीद नहीं चाहता था कि तवाबीन ऐन उलवरदा के फातह बन जाए। वो तवाबीन के कूफे में होने को आले जुबैर की हुकूमत के लिए खतरा महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि ये लोग शिकस्त खा लें ताकि कूफे में उनकी कोई ताकत ना बचे। सुभान अल्लाह, तो फिर अबू इसहाक ने इस बारे में मरहूम सुलेमान से कोई बात क्यों नहीं की? उसने हमें जुबैरियों के इरादे से आगाह क्यों नहीं किया? ये भी बिन यजीद की चाल थी कि उसने बड़ी सफाई से मुख्तार और मरहूम सुलेमान के दरमियान फूट डाल दी। इस तरह तो वो ऐन उलवरदा के शहदा का खून इस खयानतकार बिन यजीद के सर है। सियासत में इस तरह के खेल बहुत होते हैं रुफाए, इसीलिए अबू इसहाक कहता है कि सियासतबाजों से सियासत के साथ ही लड़ना चाहिए। अबू इसहाक से कहो कि तवाबीन तुम्हारे साथ। क्या लिखा है उसमें? हम दोनों से मुख्तार की आजादी की दरखास्त की है, ये लो तुम खुद पढ़ लो। क्या करें, समझ नहीं आ रहा। मेरी राय तो यह है कि हमें मुख्तार को आजाद नहीं करना चाहिए। तुम उमर के बेटे को नजरअंदाज कर सकते हो, मैं तो ये नहीं कर सकता। अगर खलीफा की औलाद हमसे नाराज हो यह उससे बेहतर होगा कि खलीफा नाराज हो जाए। आजादी मुख्तार का मतलब वही पिछली परेशानियां और घबराहटें। अगर मुख्तार आजाद हो गया तो चैन से नहीं बैठेगा, खास तौर पर जबकि वो कैद किया गया है और जख्मी भी।
मुझे लगता है कि तवाबीन की ऐन उलबर्दा में शिकस्त के बाद शियों के हाथ पांव कट गए होंगे और उनका सारा जोश खत्म हो गया होगा और ये मरवानियों के हरीफ नहीं हो सकते, लिहाजा वो मजबूर हैं कि हमसे इत्तेहाद कर ले। ये बताओ खलीफा को क्या जवाब दोगे अगर हमने मुख्तार को आजाद कर दिया? खलीफा आखिर क्यों नाराज होंगे जबकि मुख्तार का आले जुबैर से कोई वास्ता नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है कि मुख्तार आजाद होकर आले जुबैर के खिलाफ साजिश नहीं करेगा? अब तक तो नहीं की। मेरी मानो तो मुख्तार को मार डाले और इसके शर से निजात हासिल कर ले। लानत खुदावंद और शैतान रजीम पर। छत को आखिर कितना घूरोगे मुख्तार? तुम्हारी निगाहों की तेजी ने तो छत में सुराख कर दिया। अब तो तुम्हारे सब्र और हौसले ने तुम्हारी चाह पूरी कर दी है। आजाद हो गया? बजाहिर तुम्हारी पुश्त बहुत मजबूत है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि उमर के बेटे की मेहंदी आले जुबैर के यहाँ भी रंग ले आएगी। खलीफा जादे के खत ने अपना काम कर दिखाया। यकीनन बिन यजीद ने उमर के बेटे की सिफारिश के बारे में अपने जुबैर से बात नहीं की, वरना वो मेरी आजादी के हुक्म के साथ अपनी मौत का हुक्म सादर न करता। वो लोग तुमसे वादा लेने आए हैं ताकि तुम बैत न तोड़ो और हंगामा आराई न करो। जैसा कि नजर आ रहा है कि दलतुल खैर का नवासा तुम्हारी आजादी के खिलाफ है, मगर बिन यजीद ने उसे चुप करा दिया है। तुम ध्यान रखना और उसको गुस्सा मत दिलाना, इससे पहले कि वो अपना फैसला बदल ले जल्दी करो। तुम्हारे कदम जंदान के बाहर पहुंच जाए तो कोई तुम्हारे कदमों की खाक भी नहीं छू सकेगा। अपनी शाल और कबा पहनो और चलो। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आंखें अंधेरे में रहने से धुंधलेपन का शिकार हो गई हैं, वरना मैं अहले मार्फत के दीदार में सलाम करने में पहल करता ताकि दुगना सवाब हासिल करूं। मुख्तार, जो शख्स अपनी कुर्सी और मनसब को दांव पर लगा रहा है ताकि तुम ऐसे आजाद हो जाओ और अपनी जिंदगी की खुशियों तक पहुंच सको और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, मुझे मालूम है कि तुम्हें आजाद करना मेरे लिए तकलीफ दे होगा, मगर क्या करूं? उसने मुझसे तुम्हारी आजादी की दरखास्त की जो मेरे लिए निहायत मोहतरम है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस नेकी का सिला यूं दोगे कि जब तक हम कूफा में हैं तुम आले जुबैर के खिलाफ कूफे में कोई कदम नहीं उठाओगे और हमारी बेइज्जती नहीं करवाओगे। मेरे अपने और मेरी जमीनें लावारिस पड़ी हुई हैं और मेरी खेती बाड़ी का काम भी तबाह हो गया है। मैं वादा करता हूं कि मेरी तलवार नियाम से बाहर न आए सिवाय किसी बेलचे के दस्ते को तराशने के लिए या दरख्त की कटाई के लिए। मैं चाहता हूं कि अपनी जायशुदा जिंदगी को किसी हसीन दरख्त की परवरिश में या किसी पौधे के बढ़ने के मंजर को देखने से करता रहूं और अपनी बाकी मानदा जिंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दूं। जाओ मुख्तार, जाओ, तुम अब आजाद हो। अब बाकी जिंदगी का कुछ हिस्सा तवाबीन के यतीम बच्चों पर सर्व करो। कीनातूजियों और दुश्मनियों का कोई समर नहीं है सिवाय कूफे के यतीमों में इजाफे के। आजादी मशरूत है मुख्तार। मशरूत किस बात पर? तुम्हें कलाम इलाही पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि तुम बैत नहीं तोड़ोगे और आले जुबैर के खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगे
और अगर कसम तोड़ोगे तो तुम्हें मक्के में 1000 ऊँटों की कुर्बानी करनी होगी और अपनी तमाम तर मिल्कियत चाहे औरत हो चाहे मर्द सबको आजाद करना होगा। अमीर, क्या ये सच है कि आपने मुख्तार को आजाद कर दिया है? हाँ, मुख्तार आजाद हो गया है। क्यों? क्यों? अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा पिसारे साथ। तुम लोगों को रोजे रोशन मुसलमानों के दारुल हुकूमत में दाखिल होने की इजाजत दी है। हाँ, क्या हमारे दरमियान तय नहीं पाया था कि तुम लोग अपने खाना खराब घरों में बैठे रहो और हमारी और अपनी हर तरह की राव रस्म का इनकार कर दो? हाँ अमीर, मुख्तार की आजादी का हुक्म यानी आपकी और हमारी मौत का हुक्म, यही थी वो सियासत जिस पे आपको इतना नाज था? हाँ जानता हूँ मुख्तार को आजाद नहीं होना चाहिए था, मगर मुख्तार की आजादी उसने मुझसे मांगी जो हम सब के लिए अजीज व मोहतरम है और उसकी हुर्मत वाजिब है। आप पिसरे जुबैर के भेजे हुए हुक्मरान हैं या पिसरे उमर के भेजे हुए हुक्मरान हैं? मुख्तार की आजादी का मतलब फितना यानी अशुभ यानी जंग जंग जंग। आपने एक खलीफा जादे की दोस्ती का ख्याल क्यों रखा? क्योंकि मेरे कान मेरे अपने नहीं थे, एक ऐसे खलीफा की अजमत और एहतराम से भरे हुए थे जिसने अरब को अजम और तुर्क और तातार और रोम और जंगी और हिंदू पर मुसल्लत कर दिया। ये ठीक है कि खलीफा जादे ने सियासत को छोड़ दिया है, मगर सियासत ने उसे नहीं छोड़ा। यजीद जो कि यजीद था और किसी खुदा को नहीं मानता था, वो भी अब्दुल्लाह इब्ने उमर के हुक्म को मानता था। अमीर, मान लीजिए कि मुख्तार की आजादी इराक की हर हुकूमत के लिए खतरा है, चाहे उमवी हो या जुबैरी। मुख्तार एक अलवी हुकूमत बर्पा करना चाहता है, अगर उसे ढील देंगे तो वो अपने ख्वाब सच्चे कर दिखाएगा। मुख्तार कल तक खतरे का बाइस था शेमर, अब वो आवाज ना निकालने वाला मुर्गा है। उसके तवाब भाइयों के शिकस्त खाने से वो भी टूट गया है। दूसरी तरफ हमने कुरान को मुसालियत का जरिया बनाया है, उसने मुखालफत ना करने की कसम खाई है। तो फिर आपने मुख्तार को पहचाना ही नहीं है? वो अपने ख्वाबों के ताजो तक को पाने के लिए कुरान तो क्या साहिब कुरान का भी इनकार कर देगा? अगर तवाबीन के पास मुख्तार जैसा कोई रहनुमा होता तो वो लोग ऐनुल वर्दा को मरवानियों का कब्रिस्तान बना देते। मुख्तार खुदा सियासत जंग है, मैं बारहा उसके आगे मकलूब हो चुका हूँ। शक मत कीजिए कि आपसे भी बहुत बड़ी खता सरजद हो गई। कल जब ये सांप आप और आपके लोगों को डस लेगा उस वक्त आप समझेंगे कि जरा सी भी सियासत नहीं जानते। काफी है उमर साद। काफी है। जिस दिन तुम रे के मोती के लिए हाथ पैर चला रहे थे और खून के दरिया में नहा रहे थे उस दिन बड़ी मछली की फिक्र करनी चाहिए थी। आज मेरे दामन पर पंजे मार रहे हो और कह रहे हो कि ये बोसीदा है। ये बोसीदा दामन हमारे लिए छोड़ दो। हम जानते हैं कि ये मुख्तसर से सियासत जानते हैं, इससे खुद को कैसे बचा लें? तुम जाओ और उन हड्डियों से पना मांगो जिन्हें करबला के मैदान में तुमने दफन किया है। अहले बैत रसूल का रहम व मुरव्वत बहुत ज्यादा है, शायद तुम्हें इस मुश्किल से निजात दे दे। तशरीफ ले जाइए। और हाँ, हमने खुफिया तौर पर यह तय किया है कि आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे। मैं वादा नहीं कर सकता कि आप जैसों की जान की जमानत कर सकूं। Ha 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 ha!
घबराओ मेरी बच्ची, तुम्हारा बाप चकरा गया है। यकीनन किसी ने आज इनकी दुम पे पांव रख दिया है, कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। बाबा की तो दुम नहीं है, इनका दिमाग कैसे खराब होता है? ये जिन ज्यादा हो गए हैं मेरी जान, तुम लोग कमरे में जाओ ताकि मैं इनका जिन पकड़ सकूं। अब्बू, गली के बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे साथ नहीं खेलते। जब घर के अंदर आकर खेलते हैं तो बाबा डांटते रहते हैं। हफ्स भी जब बाहर जाता है तो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता। आखिर मैं क्या करूं? मेरा हौसला जवाब दे चुका है। बदतमीज! क्या मतलब है बदतमीज? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हमारा क्या वास्ता कि हमारा बाप यजीदी है? जाहिल के बच्चे! खुश रहिएगा, खुश रहिएगा। क्या तरबियत की है आपने? ये जाहिल के बच्चे मेरे लिए अजाब के फरिश्ते बन गए हैं। तुम्हारा दिमाग तो हिल गया है, पाँव क्यों हिला रहे हो? पागल हो गया हूँ, तुमने मुझे पागल बना दिया है। क्या ये जिंदगी है कि मुझे घर के अंदर भी वही बकवास याद सुनने को मिलेगी जो गली के लोगों का फिर से जबान है? शाबाश है मोहतरमा, क्या पुर अमन घर बनाया है मेरे लिए। ये घर पुर अमन था, तुमने इसे भी अमन बनाया। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए ना कि तुम्हें? जी हाँ, जाहिर है बानो मोहतरमा को पूछना चाहिए कि उनके घर के बावर्ची खाने में दुम्बे की बिरयानी जो नहीं बनती, उनको मखमल हरियर और महंगे लिबास पहनने को नहीं मिलते, उनको हीरे मोती और सोने का ग्लूबन जो मैसर नहीं है, उनके पास कनीजे और नौकरानियाँ नहीं है ना। मैं सच कह जाऊँ बानो पर कि इतनी गुर्बत और खाक नशीनी की जिंदगी गुजार रही है कि अब थक गई है। मैं किसी चौराहे पर बैठे भुखमंगे की बेटी नहीं थी शहजादे। मैं उस रात महल में रहने वाली थी जब मेरा हाथ मांगने आए थे, भूल गए? बस भी करो जारिया, तुम तो मेरा दिमाग ताजा मत करो। ये तुम हो जो जिंदगी को अपने, मेरे और बच्चों के लिए जहरीली बनाते जा रहे हो। फिर मुख्तार कैसे आजाद हुआ नहीं कि खौफ और हिरासत हमारे घर को घेर लिया? उमर, कुफा अब रहने की जगह नहीं है। तुमने इन गलियों और लोगों से क्या अच्छा देख लिया जो दोनों हाथों से इस खराबे को पकड़कर बैठ गए और छोड़ना नहीं चाहते? तुम भूल गए कुफा की औरतों ने भी तुम्हें किस जिल्लत और खुआरी के साथ मस्जिद कुफा से बाहर निकाला, तुम पर पत्थर और डंडे बरसाए, तुफ और लानत की? हम कुफे से चले क्यों नहीं जाते? कहाँ चले जाएं औरत, मेरी तमाम जायदाद इसी खराबे में है। उमर, चलो कुछ अरसे के लिए शाम या हिजाज की तरफ चलते हैं, जब तक कुफे के हालात ठीक हो जाए। अपनी जायदाद किसी अमानतदार के हवाले कर दो कि हमारे आने तक उनकी देखभाल करे। ये लोग इतने चोर हैं कि इधर हमने कुफे से बाहर कदम रखा और ये सब कुछ बेच खाएंगे। जब तुम्हारी जान तुम्हारी जायदाद में अटकी हुई थी तो तुम रे कैसे जाना चाहते थे? तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है जारिया? रे का मामला अलग था, और फिर मुझे कूफे से क्यों चले जाना चाहिए? कूफा किस खबीस की मिल्कियत है जिसे मैंने चुराया है? और कूफे में क्या होना है जो मैं जाऊं? मुख्तार और उसके जैसे लोग क्या बिगाड़ लेंगे? तवाबी ने जो इतने सारे हंगामे किए उनका क्या हुआ? हम कूफे से चले जाएं, मैं कूफे से चला जाऊं ताकि सब ये बोलें कि पिसर साद ने कोई छुपने की जगह ताक ली है और अपनी दुम सर पे रखकर भाग गया है। ये
बस ये सब क्या है? क्या किया तुमने अपने साथ? मेरे बच्चे? बच्चा नहीं हूँ मैं बुढ़िया, मैं हूँ हफ्स इब्ने उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास, सत्तार जंग करबला का बेटा, फातेह ईरान का नवासा। अच्छा अच्छा, इतने ढेरों ढेर लकब लगाओ ताकि सारे चोर चके तुम्हारी जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, तुम्हारी ये दुर्गत बना दे। कसूर आपका है जो मुझे तलवार ले जाने से मना करती हैं। किससे लड़के आए हो? और उस शख्स से जो मेरे बाप की तोहीन करे। अगर मेरे पास तलवार होती ऐसा काम करता कि कूफे की हमला औरते जब उमर साद के बेटे को देखे तो अपना हमल गिरा दे। बेटा। जी बाबा। तुम लड़े क्यों थे? औरयान के साथ नहर पर मछली पकड़ने गया था कि माई गिरोह के 6-7 बच्चे हमारा रास्ता रोक के खड़े हो गए कि यह हमारा कब्जा है, तुम्हें यहाँ शिकार का हक नहीं। औरयान डर गया, वो वापस लौटना चाहता था। मैं उनके सामने डटकर खड़ा हो गया। कब्जे का क्या मतलब है? नहर तो सबके लिए है, नहर खुदा की है। हमारी भैंस बढ़ गई। औरयान के मुंह से निकल गया, जानते हो किससे लड़ रहे हो? ये उम्र 7 का बेटा है। उन खबीसों ने कहका लगाकर मेरा मजाक उड़ाया। एक ने आपको गाली दी, मैंने उसे मारा, सब मुझ पर टूट पड़े। कौन सी गाली दी? बेहतर होगा कि आप ना सुने। बहुत ही बुरी गाली दी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नाक से खून बह रहा है, थोड़ा सा सर भी फटा है। अगर औरयान नहीं भागता तो उनका हशर नशर कर चुके होते हम। मैं एक था, वो लोग 7 थे। हैव की तलवार नहीं थी मेरे पास। आज के बाद जहाँ भी जाओगे तलवार हमाइल करके जाओगे। इन कूफियों से अब सिर्फ तलवार की जबान से बात करनी होगी। क्या करना चाहते हो? मैं वाली कूफा की माजूली का हुक्म लिख रहा हूँ। तुम कब तक इस खातों किताबत पर दिल बहलाते रहोगे? अपने मुंह को खार में छुपा लिया है, रतराफ की खबर नहीं लेते। आज कुफा यजीद और उसके साथियों से बेजार है। तुम शिम्र और तुम लोगों के साथी अहले कुफा के मनफूर हो। कुफा के बच्चे रोजाना तुम लोगों की शक्लें लकड़ियों पर लेकर मजाही अशार पढ़ते हुए गलियों में घूमते हैं। अगर तुम जैसे लोगों की जुबेरियों के नजदीक कोई कदर मंजिलत होती तो वो तुम लोगों को खाना नशीन नहीं करते। तुम अपने ही घर में कैदी हो उमर, यकीन क्यों नहीं करते? खुदा की कसम हमारे पास कूफा छोड़ने के सिवा कोई हल नहीं है। जारिया, अगर आंधी भी आ जाए तो वो भी मुझे कूफे से नहीं हिला पाएगी। अब तुम बोलती रहो। ये शख्स नौ मन दूध वाली गाय की तरह हो गया है। कामयाबी से भरे हुए दूध के बर्तन को एक लात से गिरा दिया है। बिन मुती, इससे पहले कि तुम्हारे हुक्म की मोहर सूख जाए अपने आप को कूफा पहुंचा दो और कहानी खत्म कर दो। खुदा करे कि देर ना हुई हो। हाँ, अभी निकले नहीं हो कि पहले ही हार गए? कूफा एक खौफनाक मैदान है, मुझे फिक्रमंद होने का तो हक दीजिए। कूफे में सियासत और तलवार बयक वक्त चलाई जानी चाहिए, वरना हम उसे संभाल नहीं सकते। जनाब आली, ये फिदवी तो उसी वक्त बिन यजीद को कूफा भेजने के खिलाफ था। बहुत सियासत बाज था वो। ये तो सियासत नहीं है, उमर के बेटे का फैला हुआ पांव है। वो दावा करता है कि सियासत और हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं रखता, मगर हमारे बाज हुक्मरानों के साथ मुकादबा करता है। खत लिखा है उसने
अल्लाह अकबर हुकुम दे रहा है और एक बिन यजीद जैसा जाहिल वाली उसका जी हुजूरी करने वाला बन गया है। उसके हुक्म का सर आंखों पर रखता है। लानत है इस कदर हिमाकत पर, तुफ है इस हद के बचपने पर। ये पांव कट जाने चाहिए बिन मोती। तुम्हारी मुख्तार से पुरानी दोस्ती है तो फिर कोशिश करो कि उसे अपनी तरफ बुला लो और बड़ी मिठास के साथ सुलेमान और उसके साथियों की तरह उसे भी जन्नत की तरफ रवाना कर देना। और हाँ, शमर और उमर साहब से भी माफी दोस्ती कर लो। मुझे हौसला नहीं है कि रोजाना उनके कासिद मक्के की तरफ रवाना हो, उनके आगे भी कुछ हड्डियां डाल दो, मगर इस तरह के लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। आपकी दुआएं हैं। आप कैसे हैं? हम दुआगो और शुक्रगुजार हैं। इस तरफ कैसे? खुदा ने तौफीक दी तो उम्रे का शर्फ हासिल करने जा रहे हैं। उम्रा? वो भी इन दिनों में, जबकि कूफे को तुम जैसे नामवर लोगों की जरूरत है। वाजिब फरीजे को छोड़कर मुस्तहब को अदा करने जा रहे हो। कूफा आप जैसों के लिए वजीफों से भरा हुआ है जो सियासत को वाजिब फरीजा समझते हैं। हम जैसों के लिए नहीं जिनका सरोकार जरात से है। किस बात पे हंस रहे हो बिन मोती? आपकी मुर्गी की दुम जो नजर आ रही है। ये मुर्गी की दुम कहाँ है? कूफे की राह यहाँ से है और आप मदीने से आ रहे हैं। रोजे रसूल की जियारत को गए थे ताकि हमारे उम्रे का सवाब दोगुना हो जाए। इसमें कहाँ पर हंसने की बात थी? ये कहो कि हजरत सज्जाद के पास गए थे ताकि सियासी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करो। बहुत खूब, उनकी राय क्या थी? फर्ज कर लीजिए कि आप ठीक कह रहे हैं तो क्या हमने कुछ खिलाफ शरीयत किया है? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल बजा काम किया है। उमरा करने को पहुंचे तो एक चक्कर इमाम सज्जाद के चचा के पास भी लगा लीजिएगा।
سنا ہے کہ زین العابدین نے اپنے چچا کو کوفے کے معاملات میں اپنا وکیل بنایا ہے. تم اتنے سارے افراد کے ساتھ کس علاقے کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کوفے کا عزم رکھتا ہوں بن شرے، حکم امارت کوفہ کے ساتھ، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو خلیفہ نے میرے کاندھوں پر ڈالی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بن یزید غلط ثابت ہوا. یقیناً اس کی توابین سے حمایت خلیفہ کو ناراض کر رہی ہے. نہیں عبد الرحمن، نہیں، توابین کی حمایت خلیفہ کا ایمان ہے. تعجب ہے، تم تو مجھ سے بھی زیادہ دور کے کوڑی لائے. زمانے کے کھیل سے مجھے ہنسی آتی ہے بن شرے. جب مجھے امارت کا حکم ملا تو مجھے یاد آ گیا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کی مجھے سب سے پہلے داڑھی چلانی ہے. حیف ہے، تمہارا مکہ میں زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ کوفے میں تمہارے پاس میرے علاوہ اتنی مصروفیات ہوں گی کہ تمہارے پاس وقت ہی نہیں رہے گا. ہم بڑے سکون کے ساتھ اپنی زیارت کر کے بڑے آرام سے واپس لوٹ سکتے ہیں. آؤ، تمہارا انتظار کروں گا میں. اور ہاں، ہمارے دوست کی کیا خبر ہے؟ اگر خدا کا کہہ رہے ہو تو ہم نظارہ کر رہے ہیں، اور اگر شیطان کے بارے میں کہہ رہے ہو تو جناب والا بہتر جانتے ہوں گے. اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، ہم دونوں کا خدا اور شیطان کے علاوہ ایک تیسرا دوست بھی ہے، اس کا نام ابو اسحاق مختار ہے. مختار یا زندان میں ہے یا میدان میں، بظاہر بن یزید نے تمہارے لیے راستہ ہموار بنا دیا ہے. میں نے سنا ہے اس نے مختار کو قید کر لیا ہے. مختار کو جب میدان میں ہونا چاہیے وہ قید میں ہوتا ہے، اور جب اسے قید میں ہونا چاہیے وہ میدان میں ہوتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ بہت عرصے سے تم کوفے سے بے خبر ہو. بن یزید نے مختار کو آزاد کر دیا اور اپنے آپ کو قیدی بنا لیا، اور ان دونوں کے بیچ میں پھنس گیا. اندازن ہم کہاں ہیں ابو صاحب؟ زیفار کے قریب. بڑا ہیبتناک صحرا ہے. مجھے حیرت ہے کہ مختار اس صحرا سے اخیرے کیسے جان بچا کر نکل گیا. معذرت چاہتا ہوں امیر، مختار انسانوں سے زیادہ جنات سے شباب رکھتا ہے. سلیم، جدائی کا موقع آ گیا. ہم بصرہ میں اجنبی ہیں عبداللہ، وہاں ہم کسی کو نہیں جانتے. میں نے جناب مصعب کو لکھا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اجنبیت کا احساس نہ ہو. بے فکر رہیے، آپ بصرہ میں خوش رہیں گی. حکومت بنی زبیر کے بہت سے بااثر افراد کے گھر والے بصرہ میں رہ رہے ہیں، آپ ان کی جان محفل بن جائیں گی. جب ہم کوفہ میں اپنے قدم جما لیں گے تو آپ کے دیدار کو چلے آئیں گے. تم کوفے کے امیر اور حاکم ہو، آخر تمہارے گھر والوں کو تمہارے ساتھ کوفہ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ میری کوفہ پر حکومت مختار جیسے خطرناک رقیب کو مہار کرنے پر مشروط ہے. مگر تم تو مختار کے پرانے دوست ہو. ہاں ہاں، میں اور مختار بچپن سے ایک دوسرے کے دوست تھے، مگر فی الحال رقیب ہیں. دوستی جتنی قریب کی ہو دشمنی اتنی ہی زیادہ شدید اور خطرناک ہو جاتی ہے، اور امیری کی دشمنی ایک طرح کی جنگ ہے. جاؤ ام سلیم، جاؤ،
जाओ और ये दुआ करो कि मेरी और मुख्तार की दोस्ती हमें एक दूसरे के खून के प्यासे होने से रोक दे। जाओ खुदा की पनाह। इतने बेचैन क्यों हो बिन मोती? बड़ी तंग करने वाली जगह है। तुम बैठते थे तो पुरसुकून थे क्या? जी नहीं, कितनी दफा इसने मुझे कब्र दिखा दी। इसी वजह से हम उतर चुके हैं और आप इस पर सवार। अपनी बैठक पर ध्यान रखिएगा। जब मेरी बेचैनी की वजह जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? मैं ये तसल्ली करना चाह रहा था कि गलती मेरी नहीं थी। ये सवारी एक डसने वाली शय है। हमें सहरो जादू आना चाहिए ताकि इसे मार कर सके। सही, अगर सहरो जादू से हुकूमत की जा सकती तो अभी तक जादूगर नमूने इस वक्त तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ रहे होते। जिसको कूफे में जादू ना आता हो वो मौत के घाट ही उतरता है। तुम अच्छे सियासतदान हो बिन यजीद, और एक अच्छे जादूगर भी। हुकूमत करना जादूगरी से ज्यादा मुश्किल है। बाज औकात हाथ में आसाए मूसा भी हो तब भी काम नहीं चलता। हुकूमत में कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सिर्फ टेढ़ी तलवार से ही सीधे किए जा सकते हैं। जाइए और अपने आप को मक्का मुकर्रमा के सफर के लिए तैयार कीजिए। क्या ये हुकूमती सदा का हुक्म है? क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि अगर खलीफा का हुक्म है कि हम मक्के चले जाएं तो सर आंखों पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो इजाजत दीजिए कि हम अगली मंजिल का इंतखाब खुद कर लें। अगर इंतखाब का इख्तियार दिया जाए तो कहाँ जाएंगे? मक्के के अलावा कोई जगह। कहीं आपको ये बुरा तो नहीं लग गया कि खलीफा ने आपकी जगह हमें बिठा दिया है? खुदा ना खास्ता आप आले जुबैर को पीठ दिखाने का इरादा तो नहीं रखते? हरगिज नहीं। हमने हुकूमत की शर्तें आले जुबैर की बैत नहीं की है। हमें शरई जिम्मेदारी ने बैत करने पर मजबूर किया था। जब तक खलीफा और हम हैं, हम अहद मीसाक पर हमेशा साबित कदम रहेंगे। मैं जाती तौर पर थक चुका हूँ और कुछ अरसे सियासत के खेल से दूर रहना चाहता हूँ। इब्राहिम के बारे में नहीं जानता। और मैं मजारे रसूल पर जाकर मुजावरे कबरे नबी बन जाऊंगा। आप लोगों की जैसी मर्जी। बिन यजीद, आप जहाँ कभी इरादा रखेंगे हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि आपके सफर के असबाब मुहैया कर दिए जाएं। और तुम बिन मुजारिब, कूफियों को मस्जिद में बुलाओ। शरण और उर्फन हमें हुकूमत को मस्जिद कूफा और उसके मेंबर से शुरू करना चाहिए। है मुसलमानों, उस खुदा की कसम जिसका कोई शरीक नहीं, तुम लोगों की भलाई इत्तहाद में है, निफाक में नहीं। हम सब एक वाहिद खुदा रखते हैं, एक रसूल रखते हैं, हमारा एक कुरान है, एक वाहिद कबीला है, और इसके अलावा दुश्मन भी वाहिद है। बईद है कि कूफे में आज कोई फिरका खड़ा हो जाए जिसे मुरवानियों और उमवियों के फिस्क पर यकीन न हो। अगर कोई महदूद सा तबका मिल भी जाए तो वो मुंजली कौम है। आप लोगों ने यजीद के कारिंदों को कूफे से निकाल दिया मगर खतरा खत्म नहीं हुआ। मरवानियों के नाम से जाहिर होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मरवानियों ने शामात पर कब्जा करते ही बिन दलाजा को एक लश्कर के साथ हिजाज की तरफ भेज दिया है और इब्ने ज़ियाद को इराक की तरफ।
अब्दुल मलिक मरवान ने इब्ने ज़ियाद से कहा है, अगर कूफे पर मुसल्लत हो गए, अगर कूफे पर कब्जा कर लिया तो 3 दिन और 3 रात तक कूफियों की नामूस तुम और तुम्हारे लश्कर पर हलाल है। तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह, तू ही बचा ले या अल्लाह। भाइयों, दुश्मन बहुत ज्यादा और मुसल्ला हैं। अगर आप लोग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे और मरवानियों के मुकाबले पर जाएंगे तो फतह और जफर मुयसर नहीं होगी। जैसे कि तव्वाबीन मगलूब हो गए और आयनुल वर्दा में उनका खून बहा और खुदा उनकी मगफिरत करे। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन ने मुझे आप लोगों की तरफ भेजा है ताकि आप लोगों के लिए लश्कर तरतीब दे सकूं और आपकी सरहदों की हिफाजत करूं, आपके खराज लूं और आपके हिस्से तकसीम करूं और आप लोगों के खराज का बाकी मानदा हिस्सा आप लोगों की रजामंदी के साथ अमीरुल मोमिनीन के लिए भेज दूं। जो भी मेरा साथ देगा मैं उसका दोस्त और भाई हूं, फितनागरों का दुश्मन हूं, गुनाहगार और नाफरमान की कमर तोड़ दूंगा और मुनहरफीन और नाफरमान को कैद कर लूंगा। ये तो वही इब्ने ज़ियाद का तरीका है अमीर। अभी मेरा खुतबा खत्म नहीं हुआ है साहिब। बातिल बातों का इख्तिताम नहीं होता। जो कुछ अब तक आपने फरमाया वो सिर्फ तकरार और तनाकुस था। इन लोगों ने वाज़ो नसीहत बहुत सुने हैं, इन्हें ऐसा अमीर चाहिए जो अपनी बातों पर अमल भी करे। शैतान की बातें, वो भी एक फाजिल और अकलमंद इंसान से, साहिब इब्ने मालिक आशारी की जबान से सुनना ताज्जुब खेज है। ये सिर्फ उस वक्त सुनी जा सकती है जब वक्त जाया करना हो। मैं ऐनुल वर्दा की कतलगाह से आ रहा हूँ शेख। आपने फरमाया कि मैं शैतानी जबान में बात कर रहा हूँ, पैद नहीं, बशर खता का पुतला है। हम सब शैतान के वसवसों की जद में हैं। बेशक अगर मैंने भी अपने नफ्स के शैतान को मार डाला होता तो मैं अपने तवाफ साथियों के काफिले से पीछे ना रहता। आप जो कि ईमान का नकाब चेहरे पर रखते हुए और मिंबर रसूल अल्लाह पर बैठे हुए हैं, आपको भी शैतान से डरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो हक की बात है, खुदा का फरमान है। साहिब, ये बातें तो हिदायत से भरपूर हैं। जो तुम्हारा दिल कहना चाहे कह दो, सर आंखों पर सुनेंगे। शायद मेरी सारी बातें आपके मिजाज को अच्छी ना लगें, लेकिन अगर हकीकत के तलबदार हों तो हिदायत करें। तवाबीन ने अपनी शरई जिम्मेदारी पर अमल किया। अगर कूफे का हाकिम वक्त उनकी मदद करने में मुजायका ना करता तो ऐनुल वर्दा का मैदान आज मरवानियों का मक्तल होता, ना के तवाबीन का। अगर बिन यजीद तवाबीन की मदद कर सकता था और उसने नहीं की, खुदा उसे माफ ना करे कि उसने गुनाह किया है। बिन यजीद ने मदद नहीं की क्योंकि ये आले जुबैर की सियासत है कि शिया कूफे में ज़ईफ हो जाएं और अकलियत में रह जाएं। ये लोग शियों को ग्रोह ग्रोह की शक्ल में मरवानियों के मुकाबले पर भेजना चाहते हैं ताकि शिया खत्म हो जाए और उनकी ताकत ताबाल हो जाए। ये गलत बात है, मुआफिक नहीं हूँ मैं साहिब। अगर तुम मेरे खुतबे को गौर से सुनते तो मैंने अर्ज किया था कि सब मिलकर दुश्मन से लड़ने जाएंगे, ग्रोहों में बंटकर नहीं और मनमानी करते हुए नहीं। अगर तवाबीन ऐनुल वर्दा नहीं जाते तो क्या आले जुबैर की तलवार उनकी गर्दनों पर थी कि क्यों नहीं जा रहे? ये कौन सा तफरका फैलाने वाला जुमला है? खुदा लानत करे उस पर जिसका इरादा तफरकाबाजी हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप जंग का इरादा रखते हैं तो अज़्म कीजिए, लश्कर भेजिए, शिया भी आपके साथ होंगे। जी नहीं, हरगिज नहीं। तासुब से दिलों को पाक कीजिए ताकि हम सब मिलकर जिहाद करें। हालात मेरे तसव्वुर से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। खलीफा की तौहीन, वो भी खुलेआम, यानी जुबैरियों के ऊंट को कूफे में ज़िबाह कर डालना। बिन यजीद ने हुकूमत नहीं की, खेल खेला है, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो बादशाह बनने के खेल खेलते हैं। माफी चाहता हूँ अमीर, जिनसे मीठे अंदाज में पेश आएंगे तो ये हम पर सवार हो जाएंगे। आप इनसे बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में पेश आते हैं।
मुझे मजीद बरहम मत करो, मैं पहले ही अपने आप में बहुत उखड़ा हुआ हूँ। सियासत में बाज़ औकात एक मुस्कुराहट से एक लश्कर की जितनी फतूहात हासिल की जा सकती हैं। मैं हंसने पर मजबूर था, अगर हंसता नहीं तो हालात की नौयत को समझ नहीं पाता। नायब तो मुख्तार के करीबी दोस्तों में से हैं। इन तमाम गुस्ताखियों की असल वजह मुख्तार है। मुख्तार को आजाद नहीं होना चाहिए था। मुझे बावसूख खबरें मिली हैं कि मुख्तार ने आजादी के बाद शियों के बुजुर्गों से मुजाकरात किए हैं और उन्हें कैद के लिए तैयार किया है। मुख्तार को कैद करना एक गलती थी, मगर उसे आजाद करना उससे भी बड़ी गलती है। खुदा कत्ल कर दे बिन यजीद को, बिला वजह उसने मुख्तार को एक खतरनाक रकीब बना दिया।